नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी पानी की सहायता से वजन को कैसे कंट्रोल करना है या कम करना है और शरीर को फिट रखना है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता है, लेकिन गुनगुना या गर्म पानी भी फायदेमंद होता है। इसे हम गुणों की खान भी कहते हैं। गुनगुना पानी पीने से मोटापा कम होता है। मोटापे से परेशान लोगों के लिए गुनगुना पानी बहुत ही हितकारी है। खाना खाने के आधे घंटे बाद एक गिलास गुनगुने पानी को सिप करके पीने से शरीर का वजन कम होता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि गुनगुना या गर्म पानी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। इससे शरीर की गंदगी तो साफ होती ही है, इसके साफ होने का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है और किडनी के माध्यम से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसके अलावा थोड़ा गर्म पानी पीने से कब्ज भी दूर होती है। गर्म पानी से नहाने से थकान मिटती है और त्वचा में निखार आता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से वजन कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी संतुलित होता है। गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये मिश्रण वजन कम करने में भी फायदेमंद है। किडनी की सही देखभाल के लिए दिन में यानी कि सुबह शाम दो बार गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकल जाती है और शरीर साफ रहता है। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। आप जब भी पानी ज़्यादा पियेंगे भूख आपको कम लगेगी। इस प्रकार से हर रोज़ आप कम कैलोरीज लेते जाएंगे और जब आप कम कैलोरीज लेंगे तो आपका वेट वैसे ही कम होता जाएगा। इसीलिए पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, पर उचित मात्रा में ज़रूर पीना चाहिए। आप सुबह जगें तो दो गिलास पानी पी लें। इसके बाद खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लें। आपको जितना पिया जाता है उतना पी लें। बहुत ज़्यादा ना पिएँ और ना ही कम पिएँ। आपको ठीक ठाक आराम से कंफर्टेबली जितना पिया जा रहा है उतना पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पेट से गंदगी तो बाहर आ ही जाएगी, इसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और भूख कम हो जाएगी। खाना खाने से आधे घंटे पानी पहले पियेंगे तो इसकी वजह से आप खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो आपका खाना डाइजेस्ट भी अच्छा होगा और वो शरीर में लगेगा। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे कि पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, कैलोरीज बर्न होती रहती है। तो कैलोरी जब तेज़ी से बर्न होगी तो आपका वजन नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। इसके अलावा आप रात को भी पानी पीजिए। सोने से पहले खाना खाने के एक घंटे बाद ज़रूर पानी पीना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं लगातार एक साल तक, तो आप देखेंगे कि नेचुरल तरीके से आपका वजन 10 केजी तक एक साल में कम हो जाएगा केवल पानी से। और ये नेचुरली होगा, इससे कोई भी आपको आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। थोड़ा तेज़ी से आप वजन को कम करना चाहते हैं तो आप नींबू मिक्स कर सकते हैं। सुबह जो आप गुनगुना पानी पिए उसमें एक नींबू निचोड़ लें। हाँ, ध्यान रखें कि सुबह जो आप चाय पीते होंगे उसकी जगह पे गुनगुना पानी पीने लगें, और उसमें थोड़ी काला नमक और अगर आप अजवाइन भी मिक्स करके पीते हैं तो भी आपके लिए सेम फायदा होता है, आपका वेट लॉस होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा देसी नुस्खा। पानी के सहारे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।